टॉपिक्स पे बात की है। तो अभी जो प्रिवेलिंग वेदर है उसके अकॉर्डिंगली आज जो हमने टॉपिक चूज किया है वो है हेयर केयर एंड स्किन केयर ड्यूरिंग द मानसून सीजन। मानसून में आप जानते हैं कि स्किन भी काफ़ी रफ हो जाती है और जो हेयर्स हैं वो भी काफ़ी रफ हो जाते हैं और जो हेयर फॉल है वो भी काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, तो डैंड्रफ भी इंक्रीज हो जाता है और काफ़ी सारे लोग ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, तो इसलिए हमने ये टॉपिक आज चूज़ किया था। मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ जिससे आप ड्यूरिंग द रेनी सीजन ड्यूरिंग द मानसून आप अपने हेयर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपना स्किन को बेटर रख सकते हैं, ठीक है। अब मानसून में होता क्या है कि हवा में काफ़ी ह्यूमिडिटी होती है, तो उससे क्या होता है कि जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो सूलन हो जाते हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आने की वजह से जो प्रॉब्लम रहती है वो ये रहती है कि हेयर्स आपस में एंटेंगल हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने एक तो ये करना है कि शैम्पू, जैसे लोग बोलते हैं कि रेनी सीजन में शैम्पू नहीं करना चाहिए, शैम्पू आपने रेगुलरली करना है और रेगुलरली मतलब ये है कि आपने एक दिन छोड़ के शैम्पू करना है और हफ्ते में एक बार आपने कम से कम एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना है। शैम्पू करने के बाद आपने बालों को अच्छी तरह से ड्राई करना है, ऐसा नहीं है कि आपने गीले बालों में कॉम्ब स्टार्ट कर दिया, बालों को प्रॉपरली ड्राई करके फिर आपने कॉम्ब करना है। कॉम्ब जो आपने यूज़ करना है वो आपने वुडन वाला यूज़ करना है, प्लास्टिक का प्रोडक्ट्स कोई भी यूज़ नहीं करना। स्कैल्प पे आपने कोई भी कॉम्ब यूज़ नहीं करना, स्कैल्प को टच नहीं करना, आपने सिर्फ जो लेंथ ऑफ हेयर है वहाँ पे आपने कॉम्ब यूज़ करना है और वो भी आपने वुडन वाला कॉम्ब और वो भी ड्राई करके। कोई भी आपके स्टाइलिंग के प्रोडक्ट्स हैं जैसे कोई जेल है या कोई आपने रिबॉन नहीं कराने, कुछ कराने वो आप 2-3 महीने में नहीं कराएंगे इस बार, राइट। एंटेंगल्स को प्रॉपरली आपने रिमूव करना है, एंटेंगल्स आपने रखने नहीं है, जितने भी एंटेंगल्स हैं वो आप बालों को पकड़ के शाफ्ट ऑफ द उससे प्रॉपरली आप उसको रिमूव करेंगे सारे एंटेंगल्स। और दूसरा ये रहता है कि हमें इस सीजन में थोड़ा डाइट का भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए बिकॉज हेयर्स को न्यूट्रिशन भी चाहिए, तो जो अपने पेप्टाइड्स बेस्ड शैम्पू होते हैं वो बेटर रहते हैं और वो बालों की ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करते हैं स्कैल्प के, तो वो हमें यूज़ करना चाहिए। साथ में ये रहता है कि जो डाइट है दैट शुड बी रिच इन प्रोटीन्स, प्रोटीन रिच डाइट लेंगे और वो बेटर रहेगी बालों के लिए। साथ में जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हैं वो आप लें जिसमें बायोटिन का कॉम्बिनेशन हो और स्टाइलिंग जितनी भी पॉसिबल हो सके वो आपने मिनिमाइज करनी है ड्यूरिंग द 2 months। और दूसरा ये रहता है कि बारिशों में अभी इन्फेक्शन का चांसेस बहुत रहते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होते हैं और साथ में फंगल इन्फेक्शन भी होते हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं वो ऐसे छोटे छोटे से दाने जो होते हैं वो स्कैल्प के ऊपर दिखते हैं और जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं उसमें एक राउंड सा सब पैच होता है जिसके ऊपर काफ़ी इचिंग होती है, वो होते हैं फंगल इन्फेक्शन। तो दोनों चीज़ें बहुत कॉमन है, बैक्टीरियल भी फंगल भी, और तो ये अगर इस तरह को कोई आपको इन्फेक्शन लगता है तो अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, इनको इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए अपने हेयर्स को वेट ना रखें, ड्राई रखें प्रॉपरली, ठीक है। और अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स आपको आते हैं, इचिंग है या आपको पिंपल्स लगते हैं स्कैल्प पे, तो आप जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें इस चीज़ के लिए। शैम्पू करने के बाद एक आपने कंडीशनर भी लगाना है, वो आपने लेंथ के ऊपर लगाना है, मतलब बालों के शाफ्ट के ऊपर लगाना है, आपने स्कैल्प के ऊपर कोई भी चीज़ टच नहीं करनी है, राइट। वंस ए वीक आपने ऑयल लगाना है, वंस ए वीक ऑयल इज अनफ मानसून सीजन में, इससे ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो आपने हेयर के रिगार्डिंग ध्यान रखनी है मानसून सीजन में। इसके अलावा आपको कोई स्पेशल प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं है, डाइट मैंने आपको बता दी, टैबलेट्स बता दिए, शैम्पू का बता दिया और बस सिर्फ ये है कि बालों को प्रॉपरली जितना सेफ हो सकता है, और अगर सपोज आप बारिश में भीग भी जाते हैं तब भी आके आप नहाएं प्रॉपरली शैम्पू से, ड्राई करके बालों में से एंटेंगल निकालें, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है वो एसिडिक होता है तो वो चीज़ बालों को नुकसान करती है, तो फिर उसमें केमिकल्स रह जाते हैं, वो चीज़ प्रॉब्लम होती है। तो जब भी ऐसा हो कि बारिश में गीले हो जाए, बारिश के पानी से बाल भीग जाते हैं, तो आके प्रॉपरली उनको नहा के शैम्पू करके ड्राई करके फिर आप उसको मैनेज करें। स्किन में भी इस तरह की प्रॉब्लम रहती है, स्किन में ये रहता है कि एक्ने स्कार्स जो एक्ने जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा
निकलते हैं इस सीजन में बिकॉज ऑफ द ऑयली स्किन, क्योंकि स्किन ऑयली होती है इस मौसम में ज़्यादा, तो एक्ने बहुत निकलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉपरली आपने ऑयल फ्री शैम्पू यूज़ करना है दिन में 2 बार, और स्किन को ड्राई रखें एज मच एज पॉसिबल ताकि एक्ने का ना रहे। और मानसून में क्या होता है कि स्किन में थोड़ी सी डलनेस भी आ जाती है, तो डलनेस को डलनेस ना आए या उसको रोकने के लिए विटामिन सी के सीरम्स आते हैं, ग्लूटाथाइम के वो आते हैं, सीरम्स आते हैं, ऑइंटमेंट्स आते हैं, वो आप साथ में यूज़ करें। उससे क्या है कि फेस का ग्रो भी मेंटेन रहेगा, एक्ने का जो चांस है निकलने का वो भी नहीं रहेगा। तो यू शुड फॉलो दिस स्टेप्स। जहाँ तक हेयर ट्रांसप्लांट की बात है, हेयर ट्रांसप्लांट हम रेनी सीजन में भी कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। प्रॉपर प्रिकॉशंस जिस तरह से करते हैं, हम अभी भी हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं नॉर्मली, तो उसमें हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कोई ऐसी कॉन्ट्राडिकेशन नहीं है कि हम रेनी सीजन में हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, अभी इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। बिकॉज रेनी सीजन के हिसाब से हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखते हैं ओटी में भी और पोस्ट ऑप भी, ताकि जो इन्फेक्शन है वो सारा मिनिमाइज रहे, राइट। तो आप अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बारे में सोचना चाहते हैं मानसून सीजन में, तब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप सोच सकते हैं। बट ये जो मैंने आपको बताया, ये बेसिक केयर है जो आपने मानसून सीजन के लिए आपने ध्यान देना है, राइट। थैंक यू सो मच।